अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम के साथ मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं एसपी 92 न्यूज़। नाज़रीन, अगर हम महंगाई पर बात करें तो सियासतदान बहुत जो है वो दावे करते हैं कि भाई हम जो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आज तक सियासतदानों के दावे रह चुके हैं और महंगाई का जन जो है वो काबू नहीं आ रहा। तो आइए आवाम पे बीती आवाम से ही जानते हैं। सियासतदान दावे करते हैं कि हमने जो है महंगाई कम कर दी है और आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, क्या अभी तक रिलीफ दिया है? अभी तक तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं दिया है। आपके सामने सारे सरकमस्टेंसेस जो चल रहे हैं इस वक्त, जो माहौल जो हालात चल रहे हैं, गरीब तो मेरे ख्याल बहुत ही मुश्किल हो गया उसका सर्वाइवल डे बाय डे। तो महंगाई में क्या इन्होंने कंट्रोल किया, मेरे हिसाब से तो कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। क्या कर रहे हैं आप? मेरी छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है, उसके अलावा पार्ट टाइम मैं एक जॉब करता हूँ। अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर एक बंदा दिन में, फॉर एग्जांपल, अगर वो एक जॉब करके कोशिश करे कि वो सर्वाइव कर सकता है अपनी फैमिली के साथ, तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपकी तनख्वाह जो मिल रही है उससे गुजारा हो पा रहा है? नहीं, बहुत मुश्किल है, उसमें तो बहुत मुश्किल है। तनख्वाह जो मिल रही है उसमें तो इस तरह है कि बामुश्किल बच्चों की फीसें और उसके अलावा जो रोजमर्रा के छोटे मोटे अखराज हैं वही निकल जाए, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक बिल आते हैं उसके बाद फिर और मजीद टेंशन बन जाती है। तो हर हाल में मस्ट है कि मतलब बंदा जो है ना, जब तक दो जॉब्स नहीं करेगा तो वो मेरा ख्याल नहीं कर सकता है। महंगाई का तो ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट मतलब चाहे तो सब मसले हल हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी नहीं, लेकिन हुकूमत जो भी आती है वो दावे करती है कि हम जो महंगाई कम करेंगे और आवाम को जो है रिलीफ देंगे। क्या अभी तक जो शहबाज हुकूमत आई है रिलीफ मिला है आवाम को? आवाम तो खैर खुद भी जानते हैं सब लोग की कोई रिलीफ, कोई खास कोई रिलीफ कहीं किसी भी हुकूमत में नहीं मिलता। कहते तो हैं सब कहा कि रोटी कपड़ा भी देंगे, सब चीज़ें देंगे, लेकिन आवाम बेचारी परेशान है हर तरह से। तो इसका हल यही है कि सब मिल बैठ के जब एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं होंगे जब तक कोई हल नहीं निकलेगा। और महंगाई के देखे ना, पहले बजट आता था साल में एक दफ़ा, अब तो मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, इदारे काम नहीं कर रहा सही तरीके से जिस तरह करना चाहिए। तो इदारे काम करें तो फिर मसले हल हो सकते हैं हमारे, और आवाम को भी कोऑपरेट करना चाहिए। और जी, अब पेट्रोल कम हुआ है, आपको क्या लगता है दोबारा भी कम करेंगी है? सियासी मसले मसाइल ऐसे हैं जिनके से सब परेशान हैं, ये सियासी मसले हल हों तो फिर कोई चीज़ किसी चीज़ का रिजल्ट निकले, कोई मतलब इम्प्लीमेंट हो किसी चीज़ पे अमल हो। महंगाई इसलिए है कि वो दरअसल बात है, सियासी मसले खत्म नहीं हो रहे, झगड़े खत्म नहीं हो रहे, कर्जे खत्म नहीं हो रहे, कर्जे खत्म हो एक प्लेटफॉर्म पे, मेरा को उठाने एक प्लेटफॉर्म पे आए तो कोई मसले हल हो बैठ के आपस में। वो इमरान खान को जो वो कह रहे हैं कि आ जाए प्लेटफॉर्म पे जो माशी हालात को ठीक करेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहा। असल में देखो इमरान खान साहब पे एक ही वो है कि ना नहीं दूंगा, उनका मतलब सबको चोर बताना भी सही नहीं है। देखो जो भी हुआ मतलब माजी को अब दहराते रहेंगे तो फिर फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए है कि एक प्लेटफॉर्म पे सबको मिल बैठ के बैठना चाहिए, कदम से कदम मिला के जब भी कुछ हल निकल सकता है ना। मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के मफाद के लिए सोचें, मतलब अपने लिए सोचने का फायदा नहीं है। ये लड़ते रहे आपस में कि जो है हालात ऐसे तो बेहतर नहीं होने वाले, जब तक आप सब मिलके बैठ के एक साथ बात नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक कैसे मसले हल होंगे? अब हम बेचारी क्या करें, हम तो हर तरह से सर्वाइव कर रही है। आप बढ़ा देते हैं तो भी सर्वाइव कर रही है, आप घटा देते हैं तो भी सर्वाइव कर रही है। हम तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन जो कम आमदनी वाला तबका है वो बिल्कुल बेच चुका है। किसी को वक्त की रोटी है ना वो भी खाने की नसीब नहीं हो रही, तो इस हवाले से क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को यही है कि देखें रियासत का काम होता है, इदारों का काम होता है, वही संभालते हैं, वही करते हैं, आवाम बेचारी क्या कर सकती है? मुझे बताएं, आप लेबर लॉ के मुताबिक जो आपने सैलरी रखी हुई गवर्नमेंट ने वो भी इंसान को पूरी नहीं मिली, वो कहाँ से सर्वाइव करेगा? अपने बच्चों का अगर कोई किराए के मकान में रहता है, उसके चार बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है बच्चे, बहुत जाहिर सी बात है उसको राशन भी चाहिए, बच्चों का लिबास भी चाहिए, उसको स्कूलिंग भी करनी है, सब चीज़ें करनी है ना। तो उसके लिए यही है कि भाई हुकूमत का काम है, ये गवर्नमेंट इदारों का काम है कि रिलीफ मिले पब्लिक को, उनकी सहूलियात हैं, आप सब चीज़ें कर रहे हैं, टैक्सेस पूरे ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सब चीज़ें उनको मुहैया भी करें। ये तो फ़र्ज़ है ना उसके, मतलब रियासत का, हुकूमत का फ़र्ज़ है आवाम को सब चीज़ें मुहैया करें।
हुकूमत जो आवाम को जो है वो डेली जो भाषण देती है कि भाई जो आवाम को रिलीफ मुहैया कर रहे हैं और 10 रुपये जो पेट्रोल भी कम किया, क्या आगे ये हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ फ्राहम कर सकेगी? इस हुकूमत ने किया क्या? ये आए थे बोले हम अपने कपड़े बेच के तो आवाम को रिलीफ देंगे, तो मुझे तो नहीं नजर आया कुछ ऐसी चीज। उल्टा ये महंगाई पे महंगाई महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। ये जो आम बंदा है 25,000 तनख्वाह मिल रही है, क्या उसका गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता 25,000 में। यहाँ अगर 50,000 भी हो जाए ना वो भी कम है इस टाइम। ये पेट्रोल 150 रुपए इनको जो है ना चुभ रहा था, तो वो इनको बहुत महंगा नजर आ रहा था। अभी जो पेट्रोल की जो कीमत है ना इस टाइम तो तकरीबन 110-120 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो आपकी गड़ी चोर के पीछे लगा दिया ना आवाम को, कुछ करने कुछ और आए थे तो बस इन्होंने बस और हाँ कुछ आवाम को गड़ी चोर के पीछे लगा दिया। यहाँ से लाखों की चीजें इन्होंने खुद बेच के खाई, वो कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। वो तो पूछो महंगाई की जो शरह है वो दिन बा दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई गरीब के लिए ना बहुत मुश्किल है, गरीब पिसा जा रहा है इस टाइम। इस सवाल से आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को क्या पैगाम दें? सब चोर हैं, अपने वो केसेस बचाने के लिए आए हुए हैं। अपना ये काम होगा, हुकूमत इनकी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ नज़र भी नहीं आएंगे, तो गरीब आदमी बेचारा पिसा जा रहा है बस। अब हम यही कह सकते हैं। खाने पीने का पूरा नहीं, आटा पूरा करता है तो घी नहीं है, घी पूरा करता है तो आटा नहीं है, बच्चों का पेट अल्लाह पाल रहा है। ये महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत आवाम को बस यही कह रहे हम रिलीफ फ्राहम करेंगे, लेकिन अभी तक किसी को रिलीफ फ्राहम नहीं कर सके, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? ये इनके पास टोपी ड्रामे है भैया, ये करना कराना इन्होंने कुछ नहीं। अभी पहले इमरान खान था तो उस वक्त बोलते थे ये नवाज शरीफ के पार्टी के, तो इमरान खान लूट के खा रहा, वो आए हैं तो अब इमरान खान खा, लेकिन ये खा रहे हैं। अब हम लोग गरीब लोग क्या कर सकते इस बारे में? वो सोचो कि भैया इनको सोचना चाहिए, कोई गरीबों के बारे में सोचो, पर ये चीज ये लोग नहीं सोचते। गरीब आदमी गरीब माल है, आप खुद करें यार, इसमें क्या है? बिजली का बिल नहीं दे सकता, गैस का बिल नहीं दे सकता है, खाने पीने का कोई चीज़ें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है भाई जान। अब गरीब आदमी का क्या 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 जीना है? कुछ भी नहीं है, यही है। अब यही कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? हुकूमत दावे कर रही है कि हम रिलीफ फ्राहम करेंगे। वो कीमत तो 7 महीने तो हो गए, 7 महीने में तो मैं कहता हूँ कि दुगना महंगाई हो गई, रिलीफ तो कुछ मिलते, कुछ तो मिलता। भाई बात कर रहा तो मैं भी बात कर रहा हूँ कि मैं कल सुरखाब का पर सब चीज में कर दूंगा, लेकिन वो भी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे करने वाला सब दावे करते हैं, होता मोता कुछ भी नहीं है। गरीब का जीना आराम कर दिया भाई जान। उम्मीद है कि कम करेंगे यार? उम्मीद तो अलग से करना चाहिए, इंसान से क्या उम्मीद रखोगे? थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं कर सकते भाई, मेरे बात सुनो, 7 महीने हो गए तो उम्मीद नहीं, 7 महीने के बाद अभी इसके बाद क्या उम्मीद होगी? कुछ तो आना चाहिए ना। जी नाज़रीन, आवाम की भी आपने सुने, अगर हुकूमत को इन गरीब आवाम का थोड़ा सा भी एहसास है तो बड़ा मेहरबानी महंगाई का जिनको काबू करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।